मुहर्रम का त्यौहार दुनिया भर में मनाया जा रहा है। आज मुहर्रम की नवमी है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ही सादगी के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। इसी क्रम में सरायकेला खरसावां जिले के कपाली गौसनगर में मुहर्रम त्यौहार के शुभ अवसर पर आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो शामिल हुए, जहां कपाली की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हरिलाल महतो ने कहा कि जो प्यार और सम्मान कपाली के गौसनगर के लोगों ने मुझे दिया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने सभी को मुहर्रम की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं कपाली के वार्ड पार्षद इरफान अंसारी ने कहा कि मैं हरिलाल महतो जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हम लोगों के बीच आए। आने वाले समय में कपाली की जनता उनके साथ खड़ी होगी और 2024 में ईचागढ़ विधानसभा से हरिलाल महतो विधायक होंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुहर्रम कमेटी के मोहम्मद साजिद उर्फ बाबू, समाज सेवी सफदर अली, समाज सेवी अली अख्तर उर्फ बच्चू, समाज सेवी इरफान अंसारी, समाज सेवी संतोष महतो, मोहम्मद शमसी, मोहम्मद ओसाब, मोहम्मद असलम समेत बोंदी अखाड़ा कमेटी के सरपरस्त समेत सदस्यगण मौजूद थे। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। अवसर पर कपाली गौसनगर में आमंत्रण किया गया था। इस आमंत्रण में पहुंचे और यहां जो भव्य स्वागत हुआ, इनसे मैं बहुत खुश हूं और आगे इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुहर्रम नवमी के अवसर पर जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आगे जाके हम लोग 2024 में आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद से हम लोग जैसे 2024 में ईचागढ़ विधानसभा को फतह करें। जो है हमारे क्षेत्र ईचागढ़ विधानसभा के समाज सेवी हरेलाल महतो जी को आज हम लोग यहाँ पर आमंत्रण दिए थे और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो अपना काफ़ी कीमती समय निकाल करके गौसनगर में जो है नवमी में जो है इमामबाड़ा के पास आए और जो है वो उनके द्वारा जो यहाँ पर जो है माला वगैरह जो है चढ़ाया गया है इमामबाड़ा पे, और हम इनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि वो अपना काफ़ी कीमती समय दिए हैं और आशा करेंगे कि इनका जो है लगातार इस क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा और यहाँ पर जो पिछड़ा क्षेत्र है इस पर वो ध्यान देंगे ताकि क्षेत्र का कुछ विकास होगा। और आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हरेलाल महतो जी को ये आश्वासन देना चाहते हैं और निश्चिंत कर देते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कपाली की जनता का पूरा सहयोग रहेगा और एक तरफा वोट मिलेगा और यहाँ के आने वाले ईचागढ़ क्षेत्र के विधानसभा के ये जो है MLA होंगे और विधायक होंगे। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।